केदारनाथ की पूरी यात्रा हमेशा मौसम पे ही डिपेंडेंट करती है। जितने भी यात्री आते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं। केदारनाथ में जो लोकल मौसम होता है वो हर समय बदलता रहता है। वैसे तो जब पूरे उत्तराखंड में बारिश होती है, केदारनाथ में भी होती रहती है। जो आजकल का केदारनाथ का मौसम है वो हर दिन 2 बजे के बाद हमेशा बदलता रहता है। तो आज के पूरे जो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दिन भर में केदारनाथ का मौसम पल पल भर में कैसे बदलता है, उसकी पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे पूरे वीडियो में। जय श्री केदार। अभी सुबह के 7 बजे हैं और सामने से दर्शन हो रहे हैं भैरवनाथ के। तो अभी मौसम काफ़ी साफ है और हल्के हल्के कपासी बादल आना शुरू हो गया है। केदारनाथ मंदिर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये मंदिर हिमालय में लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई पे स्थित इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस साल केदारनाथ यात्रा के कपाट 25 अप्रैल 2023 को खुल गए हैं, वहीं धाम के कपाट 14 नवंबर 2023 को बंद हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर का दुनिया भर के पर्यटकों के लिए बहुत महत्व है। हालांकि इस साल खराब मौसम की वजह से हजारों तीर्थयात्रियों को पवित्र मंदिर की ओर से लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तराखंड सरकार ने भी तीर्थयात्रा मार्ग पर अत्यधिक बर्फबारी के कारण तीर्थयात्री पंजीकरण आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। अगर आप यहाँ केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो सरकार के कुछ नियम और बातें जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है। तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले रोजाना 5 से 10 मिनट सांस लेने और व्यायाम और आधे घंटे की सैर करें, ताकि आपको जब आप तीर्थ यात्रा करें तो आपको काफ़ी आसानी हो सके। तीर्थ यात्रा करने से पहले अपना पूरी तरह से चेकअप करें और हेल्थ चेकअप करें और डॉक्टर की अनुमति के बिना ट्रैक पर न जाएं। तीर्थ यात्रियों को कम से कम 7 दिन तक पहाड़ी राज्यों में रहने की सलाह दी जाती है, ताकि उनका शरीर मौसम के मुताबिक हो सके। मौसम को यदि मद्देनज़र रखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौसम बिगड़ता है केदारनाथ धाम में। यात्री अपने साथ छाता, रेनकोट, गर्म कपड़े लेकर आएं। साथ ही यात्रा पर जाने से पहले पौष्टिक खाने की सलाह जरूर दी जाती है सभी यात्रियों को। वह सरकार की गाइडलाइनों में भी है और यात्री अपना ध्यान भी स्वयं रख सकता है।